जाएगी और इसमें नीचे वाला मतलब ये जो बड़ी वाली है इसी में नीचे आप प्रेस करेंगे तो ये मतलब घट जाएगी। हाँ कम हो जाएगी। सब्जियाँ लगाई हैं वही दिखा रहे हैं। हाँ लगा है ना सब्जियाँ लगी बहुत बड़े बड़े अच्छा तो हमारे सब्जियाँ हो पक्का बन जाएगी तो फिर भेज देंगे। आज मैं अंकल जी से पहली बार मिल रही हूँ और ये होम्योपैथिक के अच्छे ही बहुत ही अच्छे फिजिशियन हैं और आज मुझे ये गिफ्ट मिला है तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अंकल जी हमको ज्ञान देने के लिए बुक दे रहे हैं काफी ज्ञान मिल जाएगा। इसको तुमने सही ढंग से पढ़ लिया तो 14 विषयों से तुम PhD हो जाओगे। अच्छा। और विश्व के सारे मत मजहबों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। जी जरूर पढ़ेंगे जरूर। सुखे जितने ही मजहब है ये पुस्तक कम से कम 35,000 पुस्तकों का निचोड़ है। अच्छा 35,000 पुस्तकों का निचोड़ है और इस पुस्तक को जिसने लिखा है वो महर्षि स्वामी दयानंद है। जी। और महर्षि स्वामी दयानंद ने इस पुस्तक को 3.5 विधि में लिखा है तो इतने बड़े विद्वान जिसने लिखा है इसमें आप 11वां समुदास पढ़ना 1 से 10 तक तो आपके जो हम करते क्रिया उसके लिए है और 11वां समुल्लास 11, 12, 13, 14 ये समुल्लास अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको मिलेगा कि जितने मत मजहब हैं 11वें पूरे भारतवर्ष में जितने मत पंथ हैं उनके बारे में मिल जाएगी समीक्षा यथार्थ समीक्षा मिलेगी इसे ज्ञान। और दूसरा 12वें में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मालूम जाएगा और जो 13वां समुल्लास है वो ईसाइयों का है उसमें पूरी बाइबिल का मिल जाएगा बाइबिल कितनी सत्य है कितनी झूठ है। और 14वें में इस्लाम को अगर देखना हो इस्लाम मजहब कैसा है तो 14वें समुदाय मिल जाएगा उसकी पूरी समीक्षा है सारे धर्मों के बारे में पूरे दुनिया में जितने भी मजहब है सबकी समीक्षा है। उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत बड़ा नॉलेज आएगा। अगर आप विश्व की बहुत बड़ी इसको पढ़िए 11वां पढ़ना पहले अपना देखिए कि हम कहाँ भूल में हैं और पंडा कीजिए और फिर अन्य पढ़िए और फिर 1 से 2 तक ये भी पढ़ सकते हैं इसकी भूमिका जरूर पढ़ना भूमिका से ये मालूम जाएगा कि लेखक का अभिप्राय क्या है। पहला समझना थोड़ा कठिन है संस्कृत ज़्यादा है नहीं समझ आएगा लेकिन बाद में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं इसमें पढ़ने हाँ हिंदी दी है बहुत सरलता समझाया गया है लेकिन ये भी पहले दौर का नहीं पड़ेगी तो जी उठेगा। दूसरे में बच्चों के लिए है तीसरा पठन पाठन के लिए है चौथा ऐसा गृहस्थ के लिए है राजधर्म है संन्यास धर्म है बानप्रस्थ धर्म सबका है प्रकृति के जीव का सृष्टि का सब कुछ ज्ञान तुम्हें यथार्थ मिलेगा सत्य ज्ञान। बाकी झूठ ज्ञान ज़्यादा दुनिया फैला हुआ है तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। सही कहा। तो इसमें आपको यथार्थ ज्ञान मिलेगा तो दुनिया में दुनिया भ्रमित हो रही है आजकल चेहरों पे इसमें भ्रम का निकल जाएगा। लोग सोचते हैं कि हम गोरे हैं तो हम ज्यादा अच्छे हैं और जो काले हैं वो ज्यादा खराब है लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंसान हृदय का अच्छा होता है वही अच्छा होता है हमें रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। रंग रूप परमात्मा का जय कर चला जाएगा जो जितना घमंड करता है उसका चला जाता है। हमारे अपने कर्मों के अनुसार हमको मिला है जी। शरीर मिला है आत्मा सबकी एक होती है जो आत्मा मेरी वही तुम्हारी है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है अंग्रेज जन्म में कोई स्त्री हो सकता है कोई पुरुष हो सकता है कोई जितने भी जीव हैं कहीं भी आत्मा जा सकती है अपने कर्मों अनुसार तो इसमें कहीं भी आत्मा सब बराबर है सबको बराबर बढ़ने का अधिकार भी है इसलिए कहीं भी अपने को हे बढ़ सकना और बड़े प्रेम से आपको बड़ा ज्ञान मिला है। हम जरूर पढ़ेंगे इसलिए आपको धन्यवाद। ये बिटिया कन्नौज किसान है और कन्नौज की धरती पर उसने जो कार्य किया है अपने चैनल के माध्यम से और इसके बोलने की शैली विद्वता बहुत अच्छी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे तरफ से पूरा आशीर्वाद है बहुत ऊंचाइयों को पहुंचेगी। शुक्रिया अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।